कल हमने क्या किया था? कल हमने ये किया था कि यूजर आईडी के ऊपर ऑटो नंबर कैसे चलाना। फिर हमने क्या देखा था कि इस यूजर नेम के बाद अगर बंदा एंटर करे तो अगर तो यूजर नेम पहले से ही डेटाबेस में होगा तो वो मुझे बता दे कि ये तो पहले एग्जिस्ट करता है, आप ये नहीं यूजर रख सकते। अदरवाइज अगर वो ना हो तो बस एंटर करने पे नेक्स्ट चले जाए। ठीक है, अब इसमें और भी चीजों की हमने चेक्स लगाने आज। उसमें सबसे पहली तो चीज हम ये करेंगे कि यूजर जब यहाँ पे पासवर्ड लगा दे उसके बाद ये एंटर करे, अगला पासवर्ड लगा दे, एक हमने ये चीज चेक करनी है कि ये वाला पासवर्ड और वो वाला पासवर्ड सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये वाले पासवर्ड के बाद वो सेम नहीं होता तो उसको मैसेज दे कि भाईजान आपका जो पासवर्ड है वो मतलब दोनों मैच नहीं करते। एक ये काम करना है। दूसरा, मैं चाहता हूँ मेरा जो ये पासवर्ड है ये मिनिमम भी 8 करेक्टर हो, 8 से नीचे ना कोई लिख सके, इससे ज्यादा लिख सके। ठीक है, हाँ जी शिवाब, कोई क्वेश्चन है आपका? सर रिकॉर्डिंग ही नहीं चल रही। सर रिकॉर्डिंग नहीं चल रही? रिकॉर्डिंग मेरे लिए बस चल रही है, आप लोगों के लिए बस यही है जो आप सुन रहे हो। अच्छा ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं जो काम करने लगा हूँ ना, वो सबसे पहले ये करने लगा हूँ कि हम लोग पासवर्ड को ये सेट करेंगे कि 8 से कम पासवर्ड ना लिख सके, 8 करेक्टर से कम। रिक्वायरमेंट हमें लगी, हम क्या करने लगे? ठीक जी है, अभी मैं अगर इसको रन करता हूँ और मुझे कहता है यूजर का नाम क्या है, मेरे यूजर का नाम सपोज करते हैं टास्क ही था शायद, टास्क, और मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास जो भी मैं यूजर लिखता हूँ उसके बाद जो मैं पासवर्ड लिखता हूँ, मैं 123 लिखता हूँ तो ठीक है, वो मुझे आगे जाने दे रहा है। मैं जाता हूँ 123 के ऊपर नहीं, जब तक कि 8 करेक्टर होने चाहिए, मिनिमम भी 8 करेक्टर होने चाहिए। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मैं कोड क्या लिखता हूँ, मैं इस पे जाता हूँ, F11 करता हूँ, की नेक्स्ट आइटम पे जाता हूँ और की नेक्स्ट आइटम पे जाके हम कोड लिखते हैं। की नेक्स्ट आइटम का मतलब आपको पता है, इस पासवर्ड से जैसे ही एंटर बजे या इससे नेक्स्ट टैप करके हम आगे जाएं तो तब क्या हो, तब ये हो कि आप सिलेक्ट कर लो, बल्कि आप ऐसे करो, आप कहते हो इफ जो फॉर्म वाला पासवर्ड है, फॉर्म वाला पासवर्ड कौन सा मैं कह रहा हूँ, जो ये वाली फील्ड में पासवर्ड आएगा, इसकी तुम जी क्या करो, इसकी तुम लेंथ कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? लेंथ क्या करती है, इसकी जो भी पासवर्ड लिखी होगी उसकी करेक्टर्स गिन लेगी कितने। क्या क्या हानि वो क्या क्या गिनने कितनी अगर मैं वो कहता हूँ कि अगर वो जो करेक्टर्स हैं वो बड़े हैं 8 से, या बड़े हैं या बराबर भी कह सकते हो आप, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, देन तुम चुप करके नेक्स्ट अंडरस्कोर आइटम कर देना, एल्स अगर ये काम ऐसा नहीं होता फिर तुमने क्या करना है। या तो आप मैसेज पॉपअप भी कर सकते हो। एक और तरीका है, आपने देखा होगा जब आप गूगल या किसी पे कोई वो करते हो, क्या नाम है उसका, साइन अप करते हो, तो जो एरर आता है आपको उसके नीचे यहाँ पे एक रेड कलर के टेक्स्ट में लिखा नजर आता है, तो सही 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 आप वो भी कर जी। सकते हो। वो कैसे होता है, बेसिकली आप एक टेक्स्ट आइटम ले लो, ठीक है, आपको पता है टेक्स्ट आइटम, और आपको ये कहाँ से उसके जैसा नजर आएगा, तो हम उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इस पे करेंगे। सबसे पहले तो इसको, मुझे तो इसका साइज छोटा करके, जैसे मैं इसको कह देता हूँ 10 है, बोल्ड भी नहीं करना ना वो करना है, जस्ट एक सिंपल टेक्स्ट करना है। और इसके लिए मुझे कलर भी रेड चाहिए तो मैं कलर भी रेड कर लेता हूँ। और क्या चाहिए मुझे इसके लिए, ये फील्ड भी सही नहीं लग रही तो मुझे इसके बेवल पे जाना पड़ेगा। आपको पता है बेवल की प्रॉपर्टीज, इसकी फील्ड का स्टाइल ही चेंज होता है, तो मुझे यहाँ पे बेवल की प्रॉपर्टीज पे जाना पड़ेगा। और बेवल पे मैं सिलेक्ट क्या करूंगा, नन। टेन अगर मैं नन करता हूँ तो देखो बिल्कुल अच्छा साथ मिल गया उसके, तो सही इसके इसके टेक्स्ट का नाम मैं चेंज करके रख देता हूँ, सपोज करते हैं MSG। ठीक है, वैसे ही मैंने नाम रखा ये, और मैं इसको यहाँ पे MSG को यहाँ पे लगा देता हूँ, और उनको लगे कि ये जस्ट वैसे ही फील्ड यहाँ पे पड़ी है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है उसके साथ। ठीक है, ये मैसेज की फील्ड मैंने इधर लगा दी। मैं चाहता हूँ कि जो मैं इस पे जी। कोडिंग करो ना पासवर्ड पे, मैं कहता हूँ एल्स अगर वो नहीं होता तो फिर तुम क्या करो, तुम ये जो फॉर्म वाली MSG की फील्ड है उसको तुम वैल्यू असाइन क्या करना, उसको तुम वैल्यू ये असाइन करना पासवर्ड मस्ट बी 8 करेक्टर 8 करेक्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ एंटर।
लॉजिक किस किस को समझ लगे? सर सही है, समझ गया। कितने यहाँ से लगे? अगर तो उसका लेंथ 8 या 8 से बड़ी होगी तो फिर आगे चले जाएगा, वरना वो ये वाला मिस्ट्री करेगा। इसकी छोटी सी टेस्टिंग करके पहले देख लेते हैं। और अच्छा, ये जो मैंने टेक्स आइटम लिया है ना, आपने इसकी कहाँ पे जाना है? एक दफा ये वाला काम कर देना कि डेटाबेस आइटम ये नो होनी चाहिए, क्योंकि हमने कौन सा इसको कोई डेटाबेस में सेव करवाना है, एक ये चीज मस्ट मेक श्योर टी करनी है। तो आगे जाते हैं, इस पे मैं जाता हूँ 1 2 3 एंटर करता हूँ, मुझे एक मैसेज मिला देखो। और वो मैसेज क्या था, सही है, क्या मैसेज सही है, था? कहता है कि जबरदस्त। पासवर्ड मस्ट बी 8 करेक्टर्स। ये बिल्कुल वैसे का ही शो हो रहा है जिस तरह से आप वो गूगल वगैरह पे आपको नजर आते हैं। अगर मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंटर करता हूँ, तो चला गया। अब एंटर करके चला गया, मैं चाहता हूँ अब चलने के साथ ये भी खत्म हो जाए, जब मेरी बात ठीक हो गई है तब तो इसमें ये खत्म हो जाना चाहिए। अब ये वाला मैसेज जब सही हो जाए, उस वक्त खत्म भी हो जाए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोबारा मैं पासवर्ड वाली साइट पर जा रहा हूँ, तो उधर जाकर मुझे एक काम करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ अगर तो वो बड़ा है तो तुम ये करना, मैसेज जो होगा ना MSG, उसको तुम वैल्यू असाइन ये करा देना, नल करवा देना, कुछ भी ना हो उसमें। बात समझ लगी? जी अगर मैं रन करता हूँ जी और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ 1 2 3 मैसेज आएगा, मैं कहता हूँ 4 5 6 7 8 9 आ गई है उससे, तो फोर मैसेज खत्म हो गया। और को सही समझो और मुझे नहीं समझ लगी तो बताओ। है सर। समझ लग गई इसका मतलब? ठीक है, मेरा दूसरा वाला लैपटॉप बंद हो गया मेरे ख्याल से। चलो, जब लिखना होगा मैं दोबारा ऑन करता हूँ इसको। अब ये सर इंटरेस्टिंग हो गया थोड़ा। ठीक है, अब समय लग गई इसका। अब जी, यही कोड आप दूसरे वाले पे भी कर सकते हो, लेकिन दूसरे वाले में आप ये ना भी लिखो, क्योंकि हमने उस पर ये भी तो लगाना है कि मैच होना चाहिए दोनों कोड, तो उसका इतना है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस पर ये लगा देता हूँ। अब अगला क्या काम करना है आप बताओ। अगला हमने सर एक मैच करना मैच करना है, है। तो जी अगर मैच किस तरह से होगा कि पहले यहाँ पे लिखा होगा, दूसरा लिखा होगा, दूसरे के बाद मैच होना चाहिए। ठीक है, जी मैं इधर जाता हूँ और मैं इधर F11 पे जाके लिखता हूँ 3 नेक्स्ट आइटम, और सर अगर मैच ना हो तो वो एरर भी दिखाए। एरर भी दिखा देगा, जैसे भी मतलब करना है वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ जैसे इफ जो फॉर्म वाला पासवर्ड है, इसके 2 3 तरीके हम देख लेते हैं किसे हमने करना है। वो इक्वल टू ओ फॉर्म वाले R PYPE टाइप के देन देन नेक्स्ट अंडरस्कोर या रिकॉर्ड, ठीक सॉरी नेक्स्ट अंडरस्कोर आइटम। और उसके बाद एल्स पे मैं कह देता हूँ, एल्स हमारा क्या है, एल्स हमारे पास हम कह देते हैं कि मैसेज, जैसे वो कह रहा है आप कुछ भी कर सकते हो। मैं अब ये वाली भी जो हम लोग अभी ये जो टास्क कर रहे हैं, हम कोई एप्लीकेशन कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे, ये जस्ट हम ये छोटे छोटे कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अगर किसी पे ये लगा देता हूँ, किसी पे नहीं लगाता, तो मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी वो लॉजिक्स कंप्लीट करूँ, मैं जस्ट समझाने की वजह से ये कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ पासवर्ड डजंट मैच, पासवर्ड डू नॉट मैच या डजंट मैच, कुछ भी आप लिख सकते हो। और मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी और देन पेस्ट कर देते हैं, और मैं यहाँ पे एंड एफ करता हूँ। ठीक है, तो अगर ये पासवर्ड इस वाले पासवर्ड के इक्वल है, देन आप नेक्स्ट आइटम कर दो, वरना आप ये वाला कर दो। ऐसे कॉपी भी कंपाइल कर लेता हूँ, रन करते हैं। एक दफा मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर मैं लगाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, एंटर करते हैं, कोई एरर नहीं मिला मुझे। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 7 जी तक, एकदम मुझे आया पासवर्ड डजंट मैच। ठीक ठीक, बात समझ लगी है? ठीक है सर। लेकिन सर ये पासवर्ड तो वैसे ही नजर ही आ रहा है, हाँ, तो इसको अगर हम लोग जी वो भी करने लगे हैं अभी, उसके बाद वही काम कर रहे हैं। इसकी समय लगी है जो अभी किया? जी 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 सर लगे। अच्छा, अब ये पासवर्ड जो हमें नजर आ रहा है, अब हम नहीं चाहते कि हमें नजर आए। ठीक है, हम नहीं चाहते कि ये हमें नजर आए, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डबल क्लिक करके उस वाले टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के ऊपर, टेक्स्ट आइटम की प्रॉपर्टी के ऊपर, और वहां पे हमें यहाँ पे फंक्शनल प्रॉपर्टीज के अंदर मिलेगी कंसील्ड डाटा। और ये जो कंसील्ड डाटा बेसिकली वही चीज होती है, ये नो होती है बाय डिफॉल्ट, आपने इसको यस कर देना। और यहाँ पे भी आप यहाँ जाकर कंसील्ड डाटा को यस कर दो। ये जो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, आप एक रजिस्टर बनाना चाहिए जो आप उसकी प्रॉपर्टीज लिख लो, क्योंकि अभी तो याद रहेंगी जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ, बाद में ये भूल जाएगी। जैसे मैं एक यूजर बनाता हूँ अदनान भाई के नाम से,
ये यूजर नेम बना सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ हनान भाई के नाम से बना लेते हैं हम, और हनान भाई का जो पासवर्ड 123 करते हैं, वो कहता है नहीं पहले आप। अच्छा ये चीजें अभी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट वैलिडेशन चेक कर रहे हैं। अभी यूजर इसको उठा के इधर जाना चाहे ना तो चल जाता है, फिर भी वो मान लेगा इसको। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब तक एरर आए तो ये हिल ना सके वहां पे करे, वो भी करेंगे अभी आने वाले, बिल्कुल इनिशियल पे हैं तो अभी उस वाले लेवल की चीजें नहीं कर रहे हम, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अच्छा मैं कहता हूँ हाँ हनान भाई के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पासवर्ड लगाए, और ये पासवर्ड आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि ये अब कंसील हो गए हैं, और मैं एंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5, कहता है मैच नहीं किया, मैंने कहा 6 7 8, अब मैच कर दिया। और तो मैं जैसे ही क्रिएट करता हूँ आपका यूजर क्रिएट हो गया, ठीक है आपका ये यूजर क्रिएट हो गया। अगर आप चाहो तो एक पॉपअप भी लगा सकते हो जिसमें आपको के आपका जो यूजर है क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, और मतलब जैसी भी चीजें वो आप आहिस्ता आहिस्ता और अपने ऐड करते रहते हो। अब ये आपका क्या हो ये गया, यूजर क्रिएट हो गया डेटाबेस के अंदर। कंसील कैसे किया था पासवर्ड? मेरा फोन आ गया था, सॉरी फंक्शन कंसील किया था इस तरह से कि आप पासवर्ड की प्रॉपर्टीज में जाके फंक्शन। इस पर गया है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर फंक्शनल प्रॉपर्टीज, और उसके अंदर ये जी देखो कंसील डेटा है वो हमने क्या कंसील किया, डाटा यस कर दिया पहले यस लुक। कर दी। ओके देखिए और मैं अगर आपको एक टेबल भी दिखा दूं, टेबल का नाम था सी यूजर मेरे ख्याल से, और अगर हम इसको चलाते हैं तो हमारे पास टेबल में डाटा ये आ रहा है, ठीक है। जी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर, इसमें और क्या हो सकता है वैसे इस प्लेटफॉर्म के अंदर? वैसे अगर अगर बात की जाए होने को तो बड़ा कुछ हो सकता है, अभी तो हम बिल्कुल एक सिंपल कुछ कॉलम्स के बगैर सिर्फ हमें जो चाहिए वो बना रहे हैं, और हमने पहले भी कहा था कि ये जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जब ये वाला प्रोजेक्ट मैं खुद बना के आपको एक वो अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा चीजों की, तब हमारा रियल जो लाइव प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगा। उससे पहले मैं कर रहा हूँ ताकि आपको इन चीजों के बारे में पता चल जाए जब हम अपने रियल प्रोजेक्ट में जाएं। तो इसमें आपका ख्याल है, क्या ख्याल आ रहा है कि ये चीज इसमें होनी चाहिए? सर एक चीज पूछनी थी, वो जो मैं कल पूछ रहा था आपसे कि ये जैसे ही मैंने एक रिकॉर्ड सेव करा था ना, वो ये यूजर आईडी जो है ना, ये गायब हो जाती थी, फिर दूसरी नहीं आती थी। यूजर आईडी क्या हो जाती थी ये गायब? हाँ जी, यूजर आईडी गायब हो जाती, फिर आती नहीं थी। मतलब सेव मिल जाती थी लेकिन गायब हो जाती थी। जैसे ही मैं सेव करता था ना, तो दूसरा ऑटोमेटिकली नहीं आता था। चलो और डिफॉल्ट हो जाता होगा ना मुझे दिखा देना कि फिर मैं लास्ट पे लेक्चर पे मैं देख लेता हूँ। इसमें, ईमेल ऐड हो सकती है। अब ऐड तो होने को कुछ भी हो सकता है, ये तो यूजर क्रिएशन है, उसका डेट ऑफ बर्थ ले सकते हो। डेट ऑफ बर्थ लेने से फायदा क्या जी होता है? अच्छा कंपनी जो हमारा यहाँ पे जो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ वहाँ पे जो चल रहा है सॉफ्टवेयर, उधर हम डेट ऑफ बर्थ भी यूजर से लेते हैं, चलो ठीक है। अब वो जो यूजर से डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो क्या करता है, वो यूजर अपने अपने से लॉग इन करता है, तो अगर किसी की बर्थडे हो तो सॉफ्टवेयर खुद ही उस पर अलर्ट दे देता है हैप्पी बर्थडे। तो ऐसे की चीजें आप कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा चीजें शटके के लिए होती हैं, लेकिन मेन जो अभी हम अभी शटका कोई नहीं डाल रहे, हम जस्ट कोई बस फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे। इसमें मेरे ख्याल से ठीक काफी है और हम अगले फॉर्म पे चलते हैं, या अगर कुछ लग रहा है तो हम बता दें, हम फिर वो डिस्कस करके आगे चले जाते हैं। सर, ये जो यूजर नेम वाला जो बता रहे हैं ना आपके, वेरीफाई करके नंबर, ये मुझे भूल गया, जरा ये बता दें। वेरीफाई करके नंबर क्या मतलब? ये मतलब जैसे ये वो नहीं, डबल चेक कर रहा है कि ये नंबर से ऑलरेडी सेव है या नहीं सेव, ये क्या नाम है यूजर नेम। और दूसरी बात ये आ गई, हमने एक बात कही थी कि ये चीज तो हम यहाँ पे वैलिडेशन कराते जा रहे हैं कि ठीक है यूजर पहले है था या नहीं था, और क्रिएट के बटन में तो अभी हमने कुछ किया ही नहीं। अगर वो यहाँ से जी सर, और उसके साथ आगे आके क्रिएट का बटन दबा देता है तब तो फिर भी क्रिएट हो जाता था, ये वाला काम तो अभी करना है सर। पता है मैंने क्या कहा अभी? जी जो सर, मेरी अब मिस्टेक थी जो सेम। मैंने कहा कि अगर मैंने F11 करके देखूँ ना तो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है कि ये यूजर अगर हो तो मुझे मैसेज दे देना कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन अगर तो वो एंटर नहीं प्रेस करता, वो माउस से आगे चले जाता है और क्रिएट का बटन दबा देता है, यूजर तो तब भी बन जाता है। जी हमने यहाँ पे भी चेक लगाना है कि यहाँ पे यूजर तब क्रिएट हो जब हमारी बात ही माने, ठीक है। और उससे पहले इतना आपके लिए थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कल वाला, ये वी अंडरस्कोर चेक का मैंने एक वेरिएबल बनाया था नंबर टाइप का, जिसपे मैंने कहा था कि तुम काउंट करके लाना रोज को और इस वेरिएबल में डाल देना सी यूजर की रोज को, जिसका यूजर नेम वो होगा जो यहाँ पे जो बंदा डालेगा, जो भी बंदा यहाँ पे यूजर नेम डाल देगा
वो इसके मैच होगा, ठीक है। अगर तो उस तरह का डेटा पड़ा होगा डेटाबेस में तो वो वन रिटर्न करेगा, जैसे कल हमने करके देखा था। अगर वो बिल्कुल न्यू हुआ तो जीरो करेगा, तो इसलिए मैंने कहा अगर वो जीरो से बड़ा हुआ मतलब वन या वन से ज्यादा जितना भी हुआ तो वो मुझे मैसेज करते, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, अदरवाइज मैं कह देता हूँ नेक्स्ट आइटम पे। ये कल काफी डिटेल से इस पर बात की। एक बार मैं तस्वीर खींचना। जी सर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, अब मैं क्रिएट के ऊपर जाता हूँ और क्रिएट के बटन पे F11 करते हैं, तो जस्ट अपने कमेंट और नेक्स्ट रिकॉर्ड कहा हुआ उसको। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। मैं वही वाली क्वेरी जो यहाँ पे थी उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और अब पेस्ट करने के बाद मैंने क्या कहा है, मैंने कहा सेलेक्ट किया काउंट और इसमें डाल दिया वेरिएबल में, अगर वो कैपिटल होगा तो ओके का यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। एल्स पे मैंने लगाता हूँ कि एल्स अगर तो ठीक है देन वो सेव करने दे, अदरवाइज वो सेव ही ना करने दे। लगी इस क्यूरी में जस्ट मैंने एल्स पे यहाँ पे था कि अगर एल्स हो तो आगे जाने दे, वरना कि एक पॉपअप आ जाए कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मैंने कहा है कि अगर तो यूजर हुआ तो मैसेज दे देना, अदरवाइज अगर यूजर ना हुआ तो तब सेव करने देना। जैसे आप पहले ये हाँ बटन पर लगा रहे सर। जी बटन पे लगाया, मैंने जैसे अली भाई करता हूँ, एंटर करता हूँ, मुझे क्या कह रहा है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ, ये तो कल का काम था, लेकिन अगर वो बंदा माउस के कर्सर से आगे चले जाता है, चला गया, ये तो जो एरर वाला पॉपअप था खत्म हो गया, और कल हमने देखा तो अब वो बंदा सेव करने की कोशिश करता है तो सेव हो जाता है। ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं सपोज करते देता हूँ 1 2 4 5 6 7 8, और कल को क्या हो रहा था, अभी मैं सेव करता तो कल के केस में सेव हो रहा था, लेकिन अब मैंने क्या कहा है, मैंने कहा अब जब क्रिएट का बटन दबेगा तब भी वो दोबारा चेक करेगा कि कहीं तुमने हमें धोखा तो नहीं दे दिया, तुमने बाद में चेंज तो नहीं कर दिया, अभी भी वो कहता है यूजर है तो मैं नहीं क्रिएट करूंगा। अब क्रिएट नहीं होगा जब तक वो बदलता नहीं, और जैसे ही वो बदलेगा, जैसे ही वो बदलता है वो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सर ये मौत से आ गया था, ये मौत से आ गया था, अभी तो बंद करना हो जी रहा बात नहीं ठीक आ रही है ना, है। ये मौत से आगे आ जाता है ना, तो ये भी तो बंद करना होगा ना, मौत से आगे ना आए, हाँ मौत ये है मैंने कहा था, तो सेव नहीं कर। मैंने कहा था ये भी हम बंद करेंगे, ये हम ऐसे कर लेंगे कि अगर वो एक दफा गलत देता है जब तक ठीक नहीं देता वो वहां से आगे भी नहीं आ सकता, लेकिन हम स्लोली स्लोली चलेंगे। ठीक है, अभी जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो मैंने बात की है, जिसको नहीं समझ लगी वो दोबारा समझ ले एक दफा, कि यूजर नेम पे पहले क्या लगा था, हम अभी यूजर नेम के आए हैं, यूजर नेम के उस वाले पेज के ऊपर, और वहां पे जाके ये कोडिंग लगी थी कि अगर तो जीरो हुआ, जीरो से बड़ा हुआ, इसका मतलब कि यूजर पहले से ही है, मैसेज शो कर दो, अगर वो जीरो से बड़ा ना हुआ तो तब तुम नेक्स्ट आइटम पे आने दे देना, वो नेक्स्ट आइटम पे आ जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो नहीं, ठीक नहीं सर, ठीक है इतना यहाँ तक। है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि ये मैसेज आ भी रहा था उसके बाद मैं माउस से आगे पासवर्ड पे क्लिक कर लेता था ना, तो ये आगे चले जाता था, और उसके बाद मैं क्रिएट करता था वो यूजर भी क्रिएट हो जाता था, जी इस तरह ही था। जी सर, अब मैंने क्रिएट के बटन पे लगा दिया, पहले क्रिएट के बटन में सिंपल यही लगा था कॉमिट और नेक्स्ट रिकॉर्ड, जो भी डाटा आया चुप करके सेव कर देना और अगला रिकॉर्ड दिखा देना। अब मैंने कहा कि तुमने डायरेक्ट सेव नहीं करना, तुमने पहले चेक करना है कि अगर यूजर पहले से अवेलेबल है, मतलब अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका मतलब पहले से अवेलेबल है, तो आप उसको मैसेज शो करना यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, उस वक्त उस केस पे कमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि इफ एल्स में पहले अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चल जाएगी, अदरवाइज अगर ये ट्रू नहीं होती देन ये चलती है। मैंने कहा अगर यूजर होगा तो ये चुप करके कहते ना यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर यूजर नहीं होगा वो वैल्यू जीरो होगी देन एल्स पे तुम फिर कॉमेंट करते ना, ठीक और ठीक अगर ठीक कमेंट करके मैसेज भी नीचे शो करवाना है तो आप मैसेज भी शो करवा सकते हो यूजर क्रिएटेड। समय लगी, हेलो लगी सर है समझ में, लगा ठीक जी। है। ये हमने इतना काम किया, और साथ में क्या चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ठीक है अगर यूजर नेम को ये चेक करा लिया कि पहले एग्जिस्ट करना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड नल नहीं होना चाहिए, जो ऊपर ये वाला पासवर्ड है ना ये नल ना हो,
ठीक है। और इस तरह से फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको करके दिखाने लगूं कि एक तरीका ये भी होता है कि आप फिर क्या करो, ये कॉमेंट जहां पे हो रहा है ना, इससे ऊपर एक और इफ एल्स भी लगा सकते हो। जैसे मैं कहता हूं, इफ फॉर्म वाला जो पासवर्ड है इज नल, अगर वो नल है तो देन तुम क्या करना, तुम एक मैसेज शो कर देना उसको कि भाईजान पासवर्ड मस्ट बी समथिंग, या पासवर्ड एम्प्टी नहीं हो सकता कुछ भी। मैं कहता हूँ पासवर्ड नॉट शुड नॉट पासवर्ड शुड नॉट नल, यहाँ पे आएगा ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एल्स अगर ठीक है उसने पासवर्ड डाला हुआ फिर तो कॉमेट ही होना है। और ये जो एंड इफ अब आ रहा है, ये एंड इफ किस वाले इफ का है, इस वाले इफ का, ये इनर सही। इफ इफ स्टार्ट हुआ है, ये मैं इस पे सिर्फ कह रहा हूँ इनर इफ स्टार्ट हुआ है। ये क्या स्टार्ट हुआ है, इनर और एक ये इनर इफ है, और यहाँ पे ये इनर इफ का बंद के इनर इफ ठीक है, और ये जो है आउटर इफ है, और ये जो है ये आउटर इफ की है। बात समझ लगी। अब अगर कोई बंदा खाली पासवर्ड करके सेव करने की कोशिश करेगा, जैसे उसने यूजर नेम सपोज करते हैं न्यू रख लिया है, लेकिन पासवर्ड खाली करके सेव करने की कोशिश करता है, वो कहता है पासवर्ड शुड नॉट नली, जो भी मेरे से गलती में लिखा गया ये मैंने वही लिखा था। तो जब वो पासवर्ड लिख देगा ठीक है, और उसके बाद वो सेव करने की कोशिश करेगा, तो तब वो करने देगा। और इसी तरह जिस तरह मैंने दो कंडीशन लगाई है ना, आपका टास्क क्या है कल का, मैं सारी कंडीशन नहीं लगाऊंगा क्योंकि हम मैं पहली बात बताई थी कि मैं कौन सा वो बना रहा हूँ, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ इस तरह से हो जाता है। मैं कह रहा था कि सारी कंडीशंस आपका कल का टास्क है कि आपने क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करके लाना है। मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप किस तरह से कर सकते हो, ये कल का टास्क है आपने जो परफॉर्म करके मुझे दिखाना है, उसमें आपने ये करना है कि जो पासवर्ड है दोनों पासवर्ड मैच होने चाहिए, पासवर्ड शुड बी मैच ठीक है, एक पहली रिक्वायरमेंट है। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट हमारे पास है जो आपने कल करके लानी है, वो ये है कि आपका पासवर्ड जो होगा मस्ट बी ग्रेटर देन 8 करेक्टर्स या 7 करेक्टर्स, मस्ट बी ग्रेटर देन 7 करेक्टर्स। उसके बाद आपने ये चीज मेक श्योरिटी करनी है कि अब यहाँ पे तो वो नो डाउट मैसेज दे रहा है ठीक है, यहाँ पे तो मैसेज दे रहा है। अच्छा आपने ये यहाँ वाले जो मैसेज है पॉप अप नहीं करवाना, ये वाला जो मैसेज है आपने पॉप अप नहीं करवाना, मतलब ये जो ऊपर आता है पॉप अप होके अलर्ट, वो नहीं करवाना, जिस तरह से मैंने ये किया हुआ है ना ये वाला मैसेज, आपने इन सबके एरर मैसेज इस तरह से सबके नीचे शो करवाना है। और एक तो आपने करना है कि पासवर्ड मैच होने चाहिए, पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 7 करेक्टर्स, और उसके बाद थर्ड नंबर पे हम कहते हैं कि आपका क्या होना चाहिए कि अगर यूजर नेम इसने कह दिया ना कि यहाँ पे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, तब भी सेव के बटन पे वो बना देता है, तो ये भी मेक श्योर करना है कि तब भी यूजर क्रिएट हो सके जब वो एग्जिस्ट ना करता हो, जब वो एग्जिस्ट ना करता हो, एग्जिस्ट नो लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ जो आपने करना है। फोर्थ नंबर पे आपने करना है कि पासवर्ड अगर नल हो, पासवर्ड अगर नल हो तब भी वो सेव ना करे, तब भी वो क्रिएट यूजर ना करे। फाइव नंबर पे आपने एक चेक यहाँ पे एक और लगाना है, और वो फाइव नंबर वाला चेक ही है कि एक और यहाँ पे वो बन रही थी लूप होल बन रहा था कि पासवर्ड दोनों होने चाहिए, पासवर्ड नल ना हो। और हाँ मेरे ख्याल से तकरीबन इतने ही होंगे, अगर इसके अलावा भी कोई बनता हुआ तो मेरे माइंड में भी आ नहीं रहा, तो आपने ये वाला कर लेना है कल, ये आपका टास्क है, अब इससे नेक्स्ट फॉर्म पे आप मूव करना है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, बल्कि एक मिनट मैं जरा मुझे बाहर से कॉल आई है तो मैं थोड़ा सा कॉल सुन लूँ, 2 मिनट के बाद मैं दोबारा आता हूँ।
ये मैंने कहा 5 छाप की बननी चाहिए, उसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट फॉर्म की तरफ मूव करने लगे हैं। जो भी हमने उस दिन डिस्कस किया था मैं दोबारा एक दफ़ा डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन ये आप पिक्चर ले लें जो कल आप से मैंने ये वाले फॉर्म पर चेक करना है। चलिए जी नेक्स्ट, अभी हमने जो फॉर्म बनाना है ना, इसके बाद फॉर्म बनाएंगे हम लॉग इन फॉर्म बेसिकली, जिसके थ्रू उसने लॉग इन होके अंदर जाना है, ठीक है। और वो लॉग इन फॉर्म बेसिकली हम बनाएंगे नई मीटिंग स्टार्ट करके, क्योंकि ये जो मेरी मीटिंग जूम की है वो 4 मिनट बाद इसने बंद हो जाना है, तो मैं नहीं चाहता कि हम डिस्टर्ब करें बार बार, तो मीटिंग बंद कर रहा हूँ। उसके बाद दोबारा आपको लिंक सेंड करता हूँ, आपने ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। ओके।